जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बिग बॉस के न्यू प्रोमो में रजत दलाल वर्सेस विवियन की लड़ाई हो गई है और रजत दलाल ने धमकी दे दी है विवियन को कि उंगली मत दिखाइयो, पीछे डाल दूंगा उंगली तोड़ के, ऐसा लिटरली बोल दिया है। न्यू प्रोमो आ चुका है बिग बॉस का और इस लड़ाई की वजह है चाहत। विवियन डिसेना चाहत को सुसु करने जाना था, उसे नहीं जाने दे रहा था। तो विवियन ने कहा, रजत तू 2 मिनट टॉयलेट में रुक, मैं आ रहा हूं वापस। तो रजत ने कहा, आपको सुसु जाना है? उसने कहा हाँ, तो आप चली जाओ। उसने चाहत को जाने दिया। तो विवियन कह रहा, तूने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी, हमें इसे नहीं जाने दे रहा था, तुझे मुझे जाने देना था। तो रजत ने कहा, भाई इसमें क्या हो गया, वो बंदी टॉयलेट चली गई तो चली गई, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो विवियन ने कहा, नहीं भाई, तूने मुझसे रिक्वेस्ट करी, वो करा, तो ऐसे ऐसे बात कर रहा था विवियन। तो रजत ने कहा, ओ भाई बहुत हो गया तेरी बकचोदी, सुन अब मेरी बात, उंगली उंगली मत दिखाइयो वरना पिछवाड़े में डाल, जेब में डाल दूंगा उंगली निकाल के। उसके बाद विवियन ने कुछ नहीं बोला, सीधा बाथरूम में जाके चुपचाप बैठ गया। जब तक रजत दलाल जैसे लोग आपके साथ शरीफ हैं, मैं कहना चाहूंगा आप शरीफ ही रहिए, अगर उसका मुंह खुल गया तो वो दुनिया भर की माँ और बहन की गालियां ऐसी ऐसी लेकर आएगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि वो कहां से गाली दे रहा है। और इस मुद्दे में विवियन डिसेना ही गलत है। एक बंदी को अगर टॉयलेट जाना है, चाहत को अगर टॉयलेट जाना है, तो आप उसे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं यार? ये कैसी जीत है कि मैं चाहत को टॉयलेट नहीं जाने दूंगा? आप बताइए, 40 साल का व्यक्ति है जिसकी 2 बार शादी हो चुकी है, उसको इतना भी एटिकेट्स नहीं है, इतने भी मैनर्स नहीं है कि एक लड़की को टॉयलेट आ रहा है तो उसे टॉयलेट जाने दूं? दुश्मनी अपनी जगह है, बेसिक एटिकेट्स अपनी जगह है। आपका क्या कहना है कमेंट में आके जरूर बताइए, और प्लीज चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर दो ज्यादा से ज्यादा। लव यू दोस्तों, बाय बाय।